13 मई को बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से एक समस्तीपुर सुरक्षित सीट भी है। ये सीट भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की भूमि है, जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की शांभवी चौधरी और कांग्रेस के सनी हजारी आमने सामने हैं। हालांकि यहां जेडीयू के तमाम नेता भी लगे हुए हैं, जो कि दो खेमों में बंटकर दोनों प्रत्याशियों के लिए अलग अलग काम कर रहे हैं। शांभवी सूबे के ग्रामीण कार्य मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी की बेटी हैं, तो वहीं सनी हजारी जेडीयू के ही वरिष्ठ नेता और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे हैं। इसे गजब का संयोग ही कहा जा सकता है कि एक ही पार्टी और सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों के बच्चे एक दूसरे के खिलाफ चुनावी जंग जीतने को लड़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि दोनों ही प्रत्याशी पहली बार चुनावी अखाड़े में उतरे हैं, वो भी सीधे टिकट लेकर। पिछली बार उपचुनाव में इस सीट से LJP के प्रिंस राज और कांग्रेस से अशोक कुमार चुनाव लड़े थे, लेकिन NDA में होते हुए भी प्रिंस राज की पार्टी को इस बार टिकट नहीं मिला, जिसके चलते वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जबकि अशोक कुमार लगातार 3 बार चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस ने सनी हजारी को पार्टी में शामिल कर उन पर दांव लगाया है। इलाके में इसकी खूब चर्चा है कि महेश्वर हजारी खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला तो अपने बेटे को आगे कर दिया। तो वहीं समस्तीपुर के समीकरण की बात की जाए तो समस्तीपुर में कुशवाहा और यादवों का प्रभुत्व है। हालांकि अन्य जातियों की बहुलता के कारण अत्यंत पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति भी चुनाव परिणामों पर गहरा असर रखती है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इसमें 5 पर NDA का कब्जा है। समस्तीपुर में दरभंगा जिले के 2 और समस्तीपुर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से JDU के अमन भूषण हजारी विधायक हैं, जो महेश्वर हजारी के परिवार से आते हैं। हायाघाट से BJP के रामचंद्र प्रसाद विधायक हैं। समस्तीपुर के कल्याणपुर से सरकार के वरिष्ठ मंत्री और समस्तीपुर के कांग्रेस प्रत्याशी सनी हजारी के पिता महेश्वर हजारी खुद विधायक हैं। वारिसनगर से JDU के अशोक कुमार, तो रोसड़ा से BJP के वीरेंद्र कुमार विधायक हैं। इंडिया गठबंधन में समस्तीपुर सीट से RJD के इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान शाहीन है। पिछले चुनाव में NDA ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपनी बढ़त बनाई थी। इस सीट पर चुनावी लिहाज से एक और बड़ी बात यह है कि समस्तीपुर में नोटा दबाने वाले लोगों की अच्छी खासी संख्या है। 2019 के उपचुनाव में 25,694 लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। 2019 के आम चुनाव में 35,417 लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया। उस साल नोटा तीसरे नंबर पर रहा, जबकि 2014 के चुनाव में भी 29,211 लोगों ने नोटा का बटन दबाया था और चौथे पायदान पर रहा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।